अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ बाबर गुलाब एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर ऑफ ग्रेड 9th. टुडे वी विल डिस्कस डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में किन किन पॉइंट्स के रेफरेंस से डिफरेंस प्रेजेंट है. हम डिफरेंट करेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखेंगे और देखेंगे कि रेस्पिरेशन में वो किस तरह से परफॉर्म किए जा रहे हैं और जो फोटोसिंथेसिस है उसमें कौन सा मैकेनिज्म है. सबसे पहली जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक है वो है मेटाबॉलिज्म. यहाँ पे हमारे पास है फोटोसिंथेसिस और यहाँ रेस्पिरेशन. सबसे पहले हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, या हम इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लेन किया था. हमने कहा था कि मेटाबॉलिज्म की टू टाइप्स हैं. एक है हमारे पास एनाबॉलिज्म और अगर दूसरी तरफ रेस्पिरेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, या हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म. अब हमारे पास मेटाबॉलिज्म की दोनों टाइप्स प्रेजेंट हैं. फोटोसिंथेसिस के केस में जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म. अब एनाबॉलिज्म जो है इसमें न्यू मॉलिक्यूल्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, या हम कहते हैं सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. जबकि दूसरी तरफ जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है कैटाबॉलिज्म, यानी रेस्पिरेशन में मॉलिक्यूल्स को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाता है और इनसे फर्दर सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. इसमें हम कहते हैं कि सिंथेसिस होती है और इसमें हम कह सकते हैं कि ब्रेकिंग होती है. अब नेक्स्ट जो हमारे पास इनकी एग्जाम्पल है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन वो हम देख लेते हैं. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमने बात की थी कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को यूटिलाइज करते हुए फूड प्रिपेयर करते हैं. हमने कहा प्लांट्स जो हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से, वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू,
एब्जॉर्ब किया जाता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल स्ट्रक्चर में नेक्स्ट ग्लूकोज बनाया जाता है। साथ ही साथ यहां पर ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। अब ये तो था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। दूसरा है हमारे पास रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम कहते हैं कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया था, एनिमल्स जो हैं इसकी ब्रेकडाउन करते हैं इन द प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम एरोबिक रेस्पिरेशन को ही देख लेते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको ब्रेक किया जाएगा और इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, प्लस यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं और साथ ही साथ एनर्जी। एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो हम कई बार बात कर चुके हैं कि एटीपी की फॉर्म में होती है। अब हम ये फर्स्ट पॉइंट तो एक्सप्लेन कर चुके। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है विद द रेफरेंस ऑफ एनर्जी इन्वेस्टमेंट। जैसा कि इस स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि कौन से रिएक्शन में जो है एनर्जी यूज होगी, यहां पर भी एनर्जी इन्वेस्टमेंट। अब स्टूडेंट्स, हमने फोटोसिंथेसिस की बात की, इसमें प्लांट्स जो हैं वो लाइट एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी, यानी जो लाइट एनर्जी है उसको प्लांट्स कन्वर्ट कर देंगे इनटू बॉन्ड एनर्जी। लाइक हमारे पास ये जो लाइट एनर्जी है ये कन्वर्ट हुई थी बॉन्ड एनर्जी में। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं C6H12O6 ग्लूकोज। इस ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं और ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इनसे फिर फर्दर एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं एनिमल्स। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो CH बॉन्ड एनर्जी है ये वाली, इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी। हम कहते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी। अब केमिकल जो यहां पर बनता है, ये केमिकल स्ट्रक्चर जो बनता है वो है हमारे पास एटीपी। एटीपी के अगर स्ट्रक्चर को हम फर्दर देखें तो हमने बात की थी कि एटीपी के स्ट्रक्चर में एक 5-कॉर्नर शुगर होती है, दूसरा हमने कहा था इसके साथ अटैच होते हैं एक डबल रिंग बेस जिसको हमने नाम दिया था एडनीन का। ये है हमारे पास एडनीन और ये है शुगर 5-रिंग जिसको हम राइबोस भी कहते हैं। और यहां पर हमने कहा था फॉस्फेट अटैच होते हैं और ये जो फॉस्फेट हैं इनके दरमियान लिंकेज होता है जिसको हमने कहा था कि ये जो सिंबल है ये वाला, इसको हमने नाम दिया था टिल्डा, इससे रिप्रेजेंट करते हैं।
जब ये बॉन्ड ब्रेक करता है केमिकल स्ट्रक्चर में, तो यहाँ से फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इस एनर्जी को फिर एनिमल्स जो हैं वो अपनी सेलुलर एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट है वो है ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ, मींस कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो करते हैं। हम कह लेते हैं ऑर्गेनिजम्स। अगर फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो इसमें हमने जो आपको एग्जांपल्स दी थी वो हमने कहा एल्जी, दूसरा हमने कहा था बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और थर्ड हमने आपको बताया था कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो रेस्पिरेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द फूड मॉलिक्यूल्स टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी इन द प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन का जो फिनोमिना है ये सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है। सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए होती है और वो इस एनर्जी को गेन करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हालांकि जो प्लांट्स हैं जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं इनको भी तो एनर्जी चाहिए फर्दर सेल डिवीजन के लिए, अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, तो ये भी अपनी ही प्रिपेयर्ड फूड की ब्रेकडाउन करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू और उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है। नेक्स्ट फोर्थ जो पॉइंट है हमारे पास वो है साइट ऑफ अक्रेंस, यानी जो फोटोसिंथेसिस है और रेस्पिरेशन है ये कौन से स्ट्रक्चर्स में होती है। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स को चैप्टर नंबर 4 में एक्सप्लेन किया था। प्लांट्स की अगर बात करें तो हमने प्लास्टिड को एक्सप्लेन किया था और अगर एनिमल्स की बात करें तो उस रेफरेंस से हमने माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लेन किया था। प्लांट्स में हम कहते हैं कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। और एनिमल्स में कौन से स्ट्रक्चर हमने कहा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट्स में, इनमें फर्दर थायलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। इन थायलाकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन है उन पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। जबकि दूसरी तरफ एनिमल्स में अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो स्ट्रक्चर है हमारे पास इनमें और सेल के साइटोप्लाज्म में टू ऑर्गेनेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, साइटोप्लाज्म और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में हमने लास्ट लेक्चर में बात की कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो होता है, जैसे ही पाइरूविक एसिड बन जाता है तो फिर वो शिफ्ट कर दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये दोनों फिनोमिना होते हैं।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड क्रेब्स साइकिल। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो है टाइम ऑफ अक्रेंस कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है वो कब होती हैं, ड्यूरिंग डे टाइम और नाइट टाइम। स्टूडेंट्स अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये सिर्फ डे टाइम में ही होती है, जबकि रेस्पिरेशन जो है ये डे टाइम नाइट टाइम या हम कहते हैं ऑल द टाइम ये प्रोसेस हो रहा होता है। अब फोटोसिंथेसिस जो है वो डे टाइम में ही क्यों होती है, डू यू हैव एन आइडिया अबाउट दिस। हम बात करते हैं सनलाइट की। सनलाइट जो है वो डे टाइम में ही प्रेजेंट होती है और सनलाइट जो है वो मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। प्लांट्स ने ये जो सनलाइट की लाइट एनर्जी है इसी को एक्चुअल में कन्वर्ट करना होता है इनटू बॉन्ड एनर्जी। अगर सनलाइट ही नहीं होगी तो प्लांट्स फिर बॉन्ड एनर्जी जो है वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे। और रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं कि ये ऑल द टाइम हो रही होती है, डे हो या नाइट हो। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फूड को ब्रेक कर रहे होते हैं और इनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी ऐड करते हैं। एटीपी का जो मॉलिक्यूल है ब्रेक करता है या जो एक एटीपी का मॉलिक्यूल है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सेवन पॉइंट थ्री किलो कैलोरी पर मोल। ये तो था स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट लेक्चर जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में सारे के सारे स्टेप्स यानी जो डिफरेंसेस हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में जो डिफरेंसेस हैं उनको एक्सप्लेन किया। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।